बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। हाँ, सब मेरे YouTube फैमिली बनते जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको अपने मेरा सिपरा चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। तो जो आज की वीडियो का करते हैं आगाज़, आज की वीडियो का भी हो रहा है आगाज़ नाश्ते से, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग नाश्ता ही सब लोग करते हैं, तो इसलिए उसका आगाज़ जो है वो नाश्ते से हो रहा है। नाश्ते में हम लोग ये ब्रेड खा रहे हैं आज। आज पराठा वगैरह नहीं बनाया, तो आज सिस्टर ने ये बनाई, ये खा रहे हैं। अच्छा, तो इसकी जो है वो रेसिपी वो मैं दूसरे चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग जो है वो हमारे कुकिंग चैनल उस पर देख लीजिएगा, बहुत ये मज़े के बने थे। तो साथ ही मैं जो है वो मैं चाय बना रही हूँ, और चाय के साथ जो है वो मैं खाऊंगी, क्या खाऊंगी, ये ब्रेड खाऊंगी और साथ में खाऊंगी ग्रीन चिली, ये वाली नहीं, ये मजाक कर रही हूँ। ये मैं जो है ये धो के सुबह रख दी थी, इसके लिए खुशक हो जाएंगे, तो उसका जो है वो हम लोग पेस्ट बना कर रख लेंगे। ये हो गए थे रेडी, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जो है भाई को और जो है घर के मर्दों को ये हम लोगों ने नाश्ता दे दिया था, और हम दोनों ने भी नाश्ता करना था। ये अब आ गया मेरा नाश्ता, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। और मैं काफ़ी देर से वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो भाई से बार बार कभी आ रही है, भाई को कभी बोल रहे हैं बच्चे, चलें जी कोई बात नहीं। और उसके बाद जो है वो नाश्ता करने के बाद मैंने जो है वो क्लिनिक का काम स्टार्ट किया था। सबसे पहले बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, वो चेंज किए हैं। ये जो है वो मैंने भाई से वॉश वगैरह सारा कर लिया, और ये जो है सिस्टर वो ये चने वगैरह जो है ये साफ़ करके रख रही। ये हम लोग लेके आए थे अकबरी मंडी लाहौर से, वहाँ से सारी दालें और चावल और ये वो चीज़ें लेके आए, तो साफ़ करके जो है वो सारा रख लेगी। ये देखें, ये देखिए वहाँ से काफ़ी अच्छी मिल गई थी। यहाँ से जो हम लोग स्टोर वगैरह से लेके आते हैं वो तो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने पैकिंग में कम जो है वो पैक की होती है, और ये हम लेके आए तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा लग रही थी। और वहाँ से जो है क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, जो उनसे आपको अच्छी लगती है वो ले लें, ये नहीं कि एक या दो क्वालिटी की चीज़ है वो आपने वही लेनी। तो ये है मूँग की दाल और माश की दाल, वो भी छिलकों वाली, छिलके वाली जो है वो ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनती है, इसलिए वो हम लोग ना छिलके वाली लेके आए। इसको बनाएंगे सारी जो है वो साफ़ वगैरह करके रख ले, तो फिर जब हमें इसको एक दफ़ा धूप भी लगवा लेंगे फिर हमें बाद में मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद वो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने किया है वॉशिंग का काम स्टार्ट, और बेडशीट वगैरह धोनी थी वो मशीन में डाली है। मैंने थोड़ा सा पानी पहले मशीन में डाल लिया था, उससे ये होता है कि मशीन जल्दी से ऑन हो जाती है। फुली ऑटोमेटिक मशीन को भी मैंने जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के पहले तो जो है उसको उसका काम और कम कर दिया, जल्दी जल्दी से वो स्टार्ट हो जाएगी। सर्ट आ के और ये डेटोल डाल के तो मैंने इसका ऑन कर दिया, वो कपड़े धोती रहेगी और मैं जो है उतनी देर में कोई और काम कर लूँगी। मैंने स्टार्ट करके इसको हैवी पे, काफ़ी ज़्यादा बेडशीटें थी मैं डाल के तो हैवी पे करके इसको स्टार्ट कर दिया। अब वो थोड़ा सा पानी लेगी और साथ स्टार्ट कर देगी, वरना वो इतने आराम आराम से पानी लेती है वो काफ़ी देर लगा देती। जब जल्दी कपड़े धोने होते तो मैं पानी पहले थोड़ा सा डाल लेती, उसमें कपड़े जो हैं वो जल्दी धोना स्टार्ट हो जाते हैं। जी देखिए कपड़े जल्दी स्टार्ट हो गए धोने, चलिए ये तो कपड़े अब धोते रहेंगे, उतनी देर में मैं कर लूँगी बाकी के काम जो करके।
काम जो है वो घरों के ख़त्म नहीं होते। भाई इमरान खान ने भी कहा था कि सुकून जो है वो कब्र में मिलना है, कुछ ऐसा ही यसीन लगता है हमें भी। सुबह उठते और काम, और रात तक काम ख़त्म करे, सुबह उठे फिर वही काम सारे स्टार्ट हो जाते हैं। उसने भी ठीक कहा है ना, जो सुकून है वो हम लोगों को कब्र में मिलना है, जिंदा लोगों के काम ख़त्म नहीं होते। मशीन ऑन करने के बाद जो है वो गर्मा ये काट के वो मैं खा रही हूँ, भूख लग गई थी देर में, काम करने के बाद थोड़ी सी भूख लग जाती है तो उसमें जो है फ्रूट वगैरह या कोई और चीज़ जो हम लोग खा लेते हैं। तो जब मैं खा रही थी मेरे भांजा आ गया था, मैं उसे कह रही थी खा लो, वो कहता नहीं आप खाओ, मैं उसे कह रही थी नहीं तुम खा लो, वो कह रहा नहीं, वो मेरी तरफ प्लेट कर रहा है, मैं उसकी तरफ कह रहा नहीं आप खाओ। वो तो उसने खाए नहीं थे लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है वो मुझे खिलाना शुरू हो गया था। एक पीस मेरे मुंह में डालता था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, और दूसरा पीस जो वो उठा कर मेरे मुंह में डालता था, मैं कहती थी नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फिर जिद करता था नहीं नहीं खाओ 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 खाओ, कोशिश कर रहा अपनी तरफ से पूरी जो है ना वो कि मुझे खिला दे। फिर मैं ये जो खाने के बाद जो है बाकी वो वॉशिंग का काम जो है मैं स्टार्ट किया था, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे खिला रहा है। मैं उसे कह रही नहीं 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 इसलिए मेरे हाथों से हंसी भी मुझे आ रही थी, मेरे मुंह में भी दो तीन पीस चले गए थे और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मैं इशारे से कह रही थी नहीं नहीं इसलिए कैमरा भी इतना शेक कर रहा है। उसके बाद जो मशीन जो है वो उसने कपड़े जो बेडशीट धो दी थी तो वो मैं निकाल लिए बाहर, अब मैं इसको घर में डालने जाऊँगी। इतनी देर में जो है बाहर वो बादल बन गए थे, हल्के हल्के से बादल थे, मैंने कहा कोई बात नहीं हम लोग बेडशीट डालेंगे हवा से सूख जाएंगे, अभी कौन सा बारिश स्टार्ट हुई है। लेकिन वो फिर वेदर काफ़ी ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने भाई के कपड़े जो है वो मशीन में डाल के, तो जो मैं हम लोग ऊपर गए थे बादल बन गए थे काफ़ी ज़्यादा, बारिश नहीं स्टार्ट हुई थी फिर भी हम लोगों ने बेडशीट डाल दी थी, हवा से जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उससे कुछ ना कुछ तो शक हो ही जाएंगे। और काफ़ी देर जो हम लोग वो छत पर ही रहे कि ये ना हम नीचे जाएँ तो जो बारिश स्टार्ट हो जाए और कपड़े जो हैं वो भीग जाए। काफ़ी देर में ऊपर ये ठंडी ठंडी हवा में इधर उधर हम लोग सभी ऊपर छत पे आ गए थे, घूम फिर रहे थे, छोटा भी आ गया था, हम लोग ये छत में फेर रहे थे और ठंडी ठंडी जो हवा को इंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो सब लोग नीचे चले गए और मैं ऊपर थी, और मैंने कहा चलो बारिश तो हुई कोई नहीं, बादल तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं नीचे चली जाती हूँ। और जब मैं नीचे गई थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी, भाग के ऊपर आई हूँ, वहाँ के सारे कपड़े उतार के और नीचे ले गए हैं, तो काफ़ी देर फिर बारिश होना शुरू हो गई थी। मोबाइल से वेदर में देख के तो मशीन का काम स्टार्ट करती हूँ, फिर भी कोई पता नहीं होता किसी टाइम एकदम से मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, उतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो बारिश तो रुक गई थी, हल्की हल्की सी ऐसे हो रही थी, तो बारिश तो रुकी थी, वहाँ से मौसम जो एक साइड से साफ़ होना शुरू हो गया था। तो भाई आ गया था, वो भी भीग गया था बारिश में, उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। फिर मैंने कहा लाओ जो भी है मशीन में डाल के, तो वो भी साथ ही धो देते हैं, वो मैंने मशीन में डाल के जो है वो धो लिए थे। और मैं सोच रही थी कि मौसम साफ़ हो तो जो कपड़े हैं वो मैं छत पर डाल के आऊँ, लेकिन यह है कि थोड़ी देर के बाद मौसम जो है वो साफ़ हो गया था और हल्की सी धूप निकल आई थी। जी मैं पहले कपड़े धोए हुए थे वो मैं सारे
इसको फोल्ड करके बास्केट में रख लूँगी, इस वाले बास्केट में। सिस्टर ने इतनी देर में जब मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, उसने जो है माश के दाल का सालन जो है बना लिया था, तो काफ़ी अच्छा बन गया था। तो उसके साथ हम लोगों ने जो है वो रोटी खा ली। ये बेड शीट है तो सूख गई थी हवा के साथ, वो तो मैं नीचे इसको फोल्ड करके रख लूँगी। लेकिन जो भाई के कपड़े मैंने धोए थे वो नहीं सूखे थे, वो भी गीले ही थे। मगरिब का टाइम होगा तो फिर मैं उतार के नीचे ले गई, अंदर डोरी जो है वो बांध के, तो उसको यहाँ मैं सूखने के लिए भी जो लटका दिए थे। पंखा चल रहा था तो कोई बात नहीं, सूखने के पैंटे भी उसके। जब है नेक्स्ट डे जो कपड़े हमारे रह गए थे वो मैंने नेक्स्ट डे वो है वो धो लिए थे। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसकी वो वीडियोस वगैरह ज़रूर बनाती हूँ। ये मौसम साफ़ था लेकिन दूर हल्के हल्के से बादल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं काफ़ी देर फिर इधर उधर घूम के देखती रही कि अच्छे अच्छे मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जायनमाज़ भी मैंने धो दिए थे, वो भी मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए। और शाम का टाइम जो है वो मगरिब का होने वाला, वो मेरे देखते देखते काफ़ी सूरज नीचे नीचे ग्रूब होना शुरू हुआ था। मुझे वो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं काफ़ी देर खड़ी होकर उसकी वीडियो बनाती रही। मेरे सामने सूरज नीचे जाता 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 एकदम से आँखों से जो है वो जल होकर गायब हो गया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपको शायद कैमरे में इतना वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।